दोस्तों इस बार बिग बॉस यानी बिग बॉस 16 में हम देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ें जो कि इससे पहले हम बिग बॉस में कभी नहीं देखे थे। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 14 और 15 जैसे तरह पीटा था, जैसे खराब गया बिग बॉस का, उससे बिग बॉस को सीख मिला है और कॉम्पिटिशन भी आ गया है, लॉकअप जैसे शो आ गया है। हालांकि वो शो बिग बॉस से कोसों दूर है, लेकिन वो बिग बॉस तक आने में कितना टाइम लगा, बहुत जल्द आ सकता है, तो इसके लिए बिग बॉस को और भी रोचक करना होगा। तो इसके लिए बिग बॉस में लाया जा रहा है कुछ ऐसी नए तरकीब या फिर ऐसे नई चीजें जो कि हमें एंटरटेन और भी ज्यादा करेगा। इस बार ऐसे ही एक न्यू चीज जो कि आ रहा है, लाइव कम्युनिकेशन रूम। जी हाँ दोस्तों, ये लाइव कम्युनिकेशन रूम हमारे साथ ही इंटरेक्शन करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों, तो क्या है डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, बिग बॉस का जो ये लाइव रूम होगा, दर्शकों के साथ यानी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने वाला रूम। या दोस्तों, हमें लाइव फीड दिखा जाएगा वोट के वेबसाइट पे, वहाँ पर हम वोट कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑडियंस डायरेक्ट वहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टास्क दिया जाएगा, हम वहाँ पर वोट कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा टास्क करना है वगैरह वगैरह। तो लाइव रूम में कॉन्टेस्टेंट को मिलेगा इंटरेक्शन करने का मौका ऑडियंस के साथ। तो वहाँ पर जैसे वो ऑडियंस के साथ भी बात कर सकते हैं, वैसे ही अपने घर वालों के साथ भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, बिग बॉस तो ऐसे करने नहीं देगा, कुछ तो कीमत चुकाना ही होगा। तो बिग बॉस को क्या कीमत चुकाना होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये लाइव कम्युनिकेशन रूम, इससे पहले बिग बॉस में नहीं आया था, ये नया चीज़ है, देखने में भी मज़ा आएगा, सबके आंखों के सामने होगा और टीआरपी भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लाइव कम्युनिकेशन रूम से इस बार बिग बॉस के टीआरपी में कोई फायदा होगा या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके दिए मेरे कमेंट का।